आराम से बेटो, आराम से। तो हेलो एवरीबॉडी, मैं YouTube चैनल तरुण के ब्लॉग्स, और अभी हम आ चुके हैं टेक टू एक्शन। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं फ्लाइंग रैबिट, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग कहां जाने वाले हैं। चेरिश की वजह से यहां पे आए हैं, तो अंदर बहुत सारी चीजें क्या क्या होने वाला है, एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाते हैं आपको। मत करो, रन लो। ये फंस गया। 600 4 पर्सन, 4 to 12, और ये है और बड़ों के लिए 100 का खाली फर्क है, बाकी सब सेम ही है। ऑफर्स वगैरह कभी रहते हैं? फ्राइडे रहता है, 5 4 8। एक और लाना चाहिए था, नहीं दो और लाने चाहिए थे। भारी मिस्टेक हो गया सर। हाँ, ओपनिंग टाइम इसका 12 o'clock से है ना, 12 बजे चालू होता है, उससे पहले मत आना वरना ऐसा माहौल मिलेगा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो अगर आप इधर आ चुके हो तो आपको एक फॉर्म फिल करना रहेगा, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपकी कोई भी ज्वेलरी या फिर एक्सेसरीज गुम होती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शुद्ध भाषा में सवारी अपने सामान की खुद जवाब। बोलो ना। क्या बोलो? बोलो क्या? कुछ तो बोलो। कुछ। हम यहाँ पर जल्दी पहुँच गए थे, इसलिए थोड़ी देर रुक के यहाँ पे ये सिनेमेटिक शॉट्स ले लिए, और उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए, जिसमें एक वीडियो दिखाकर ये बताया गया था कि आपको क्या यहाँ पे करना है और क्या नहीं। और उसके बाद तो एंट्री ले लिया हमने अंदर, मतलब अभी भी नहीं लिए, ये कदम रख दिया मैंने, ये पहली सीढ़ी, दूसरी और ये तीसरी। शाबाश बेटा। एक ट्रैम्पोलिन पे एक ही पर्सन रहेगा? ठीक है, ठीक तो है, लेकिन ट्रैम्पोलिन पे पहला कदम रखते ही ये देखिए क्या सीन हो गया। एक्चुअली ऐसा हो इसलिए रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे जंप लेने की कोशिश कर रहा था, बल्कि यहाँ पे जंप लेना नहीं है, जंप अपने आप आएगा। मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ सिर्फ जंप करने में, लेकिन ये चेरिश तो एक ट्रैम्पोलिन से दूसरे ट्रैम्पोलिन पर भी कूदना चालू कर दिया। लेकिन बाद में मैंने हिम्मत गेन करके एक बार फिर से ट्राई किया, एंड वंस अगेन जिस बात की उम्मीद थी वही हुआ। मत करो, रन लो। तोबा। तुम्हें जितना आसान समझ रहा था उतना है नहीं वैसे, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं जंप लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि जंप लेना नहीं है, जंप ट्रैम्पोलिन ही करा देगा। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। बेसिक मत भूलना, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक जो भैया बता रहे वो फॉलो करना। अच्छा, हमको सिखा रहा है। आराम से पहले सीधे करने करो, फिर जंप करो, पहले नॉर्मल जंप करो, और आराम से पीछे का जा रही हो, आगे जाते हैं कोई बात नहीं। देखो तो आ गया बेटो, ओवर एक्साइटेड दिख रहा है। ये तो फुल रैबिट बन गया है, इधर से उधर घूमे जा रहा है, जंप करता जा रहा है, और एक ये बड़ी रैबिट। सो मैडम जा रही है यहाँ पे बास्केट करने, वाह वाह वाह, क्या बात है, चलो क्या बात है। तू क्या करेगा रे, तू क्या करेगा? आराम से। ये देखो, नहीं हुआ, सेकंड टाइम में करेंगे। अच्छा। अब चेरिश आ रहा है। ओ, क्या बात है? अब देख तू। ओ! ओ! चलो जे, come on. ये कर लूँगी। ओके। मालिक टप्पा गया। चलो रेडी, अब रूल सिर्फ इतना सा है, एक टीम यहाँ से एक टीम यहाँ से, बीच में डॉज बॉल, देखते कौन किसको मारता है। रेडी बेटू, चालू हो गया। ओ, पड़ी, मार अर्जुन, मार खोपड़ी तोड़, मार साले का खोपड़ी तोड़। ए तू इधर नहीं आ सकता बेटू, नो चीटिंग, मारो जे। क्या गुंडा बनेगा रे तू, मार पट्टा से हेडशॉट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं। क्या बेटा समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। जंप लंबा लेना। सो उस पे जाना है अब। ओ भाई साहब, ऊपर से हो भाई, आराम से जा ऊपर से, डबल माइंड नहीं होना बिंदास जा, बहुत बढ़िया। 3, मुझे अपने घर जाना है। ओ भैया धोखा, तो पापा जा रहे। 3, 2, रुक जा। 3, 2, 1, मेरी रक्षा करना। चलो नेक्स्ट राउंड में अब चेरिश वर्सेस मम्मा होने वाला है। अबे तेर से बड़ा तो प्रॉप दिख रहा है मेरे को, बात तो सही है। तो लेट्स सी कौन किसको गिराता है, इतनी पतली सी लाइन में इनको चलना है। तकेशी कासल पार्ट 2, ये ध्यान से, तुम्हारी बच्चा है, बहुत बढ़िया।
कोई रहम नहीं दिखाते हुए सीधा एक ही बॉल में चौका मार दिया बेटे के ऊपर। चलो राउंड टू, वापस से चेरिस रेडी है अपने से बड़ा प्रॉप लेकर। इस बार रहम खाएगी कि नहीं मम्मा, देखते हैं। पूरी तरह से लड़ाकू प्रवृत्ति अपनाते हुए बेटा भी कम नहीं पड़ रहा है, मार दिया और खुद ही गिर गया मार के। फाइनल राउंड, देखते हैं कौन जीतता है। बहुत बढ़िया, बेटू का प्रॉप गिर चुका है। बेटू भी गिर चुका है। राउंड वन, पापा वर्सेस मम्मी और हस्बैंड वर्सेस वाइफ। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? चलो आ जाओ। डेन 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 खत्म। ओ ओ ओ पट्टा से हेड शॉट। देख तू आपको मैं अंगारे म्यूजिक डन 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 मम्मी सही टेक्निक किया जीत गया। अब फाइनल राउंड है, राउंड थ्री। मम्मी जुड़ा मनाते हुए पता नहीं, और पापा ऑलवेज रेडी। यू राउंड थ्री स्टार्ट। गई ऑलमोस्ट नेक्स्ट। अब चेरिस को यहाँ पे जंप करना और एक से डॉच करना है, मतलब क्या बात, ओवर एक्साइटेड एंड भावुक। चेरिस तो प्रो हो गया इसमें। चलो मैडम भी आ गई है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बेसिक बहुत बढ़िया। मत करो रन लो। और एक और ये भी है, स्काई स्टेपर, बिल्कुल हवा में चलते जाना इसमें। एक एक करके चेरिस यहाँ पे चल रहा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा आराम से। यू आर प्रो बेटू, खतरों खिलाड़ी का टास्क ही है। मंदसौर पहुंच गई हूँ। अब बनाना बैलेंस, देखने में आसान लगता है लेकिन चेरिस पूरा कर लेगा इसको। है आइए देखते हैं, मजा आएगा। आराम से आराम से बेटू, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। मम्मी कर लेती, आप मम्मी कर लेगी। मेरा पुत्र बहुत बढ़िया। ओ जीत गई। सुन दोनों ने तो बहुत आराम आराम से किया है, मैं थोड़ा और आराम से। अबे साले ये तो इजी है। ओ रे बाप रे, ओ हो बहुत तेजी से। पापा बाकी चीजों में सफल नहीं हो पाए पर इसमें लग रहा है सफल हो जाएंगे बहुत इजीली। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हो गया। सो नेक्स्ट एक्टिविटी चेरिस उस पर चला गया है जिसपे पहले भी जा चुका है ये फन ब्लास्ट वाले व्लॉग में, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, इसमें हाइट बड़ी है और ये बड़ों के हिसाब से। चलता रहे, हारना नहीं है गीता। चलता रहे चलता रहे चलता रहे। डर तो लगता है यार, कहना आसान है लेकिन बहुत बढ़िया। लास्ट स्टेज, हाँ पकड़ लो उसको, पकड़ के खड़ा होना बस। ओ जे बच्चे ने कर लिया, अब तुम्हें और जल्दी करना है। क्यों नहीं, ये फंस गया। खतरों के खिलाड़ी में देखते हैं, उनको बोलना आसान है टीवी में देख के, लेकिन यहाँ आके देख के मालूम चलता है कि भी इतना भी आसान नहीं है। अब आए ना लाइन पे। तो चेरिस अब एक और स्टंट कर रहा है, क्लाइंबिंग। एक और टास्क है, यहाँ से लेके ऊपर तक जाना है इसको। भाई साहब चलता जा चलता जा चलता जा। बहुत बढ़िया बेटो। तो अभी लास्ट हमारा बचा है और वो है ये वाला, और इसमें वहां से कूदाएंगे। ये बहुत ही अलग होने वाला है, छोटे बच्चे का नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा कूदा देगा इसको, इसका वेट कम है ना। तुमको करना तो आ जाओ, कुछ भी नहीं चाहिए इसमें तो आ जाओ, मैं दिखाऊंगा डेमो फिर तुम करना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई साहब एक बार गिरते लगा गया खत्म। रेडी जे जे। तो अब है भयंकर सीन, मैं जितना ऊपर गया था देखते हैं मैडम कितना ऊपर जाती है। मम्मी को एक जने का अलाउ किया खाली क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, उस डर के मारे यहाँ पे अब सीन चेंज है, सिर्फ एक जना जाएगा। देखते हैं मैडम का क्या सीन होता है। बहुत नीचे लगी मम्मी तो यार, ये मम्मा का चांस।
भाई साहब सारी। तो लिटरली यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे चार्जेस आपको बता दिए हैं। इसी तरह के और भी ब्लॉग्स अगर आपको देखने हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग तो थक चुके हैं ऑलरेडी। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विद चेरिश रोहित एंड सोती हुई मधु पुरोहित साइनिंग ऑफ। बाय बाय।